हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेड ईयर स्लाइडर टर्टल की, जो कि मैंने मंगाया है बेंगलुरु कर्नाटका से, जिसका मैं 2 साल से वेट कर रहा था। ड्यू टू कोविड ट्रांसपोर्टेशन सारे बंद थे और मैं अपना कुरियर नहीं मंगा पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो मेरा कुरियर बेंगलुरु से आ चुका है। अब देखते हैं अंदर क्या मिलता है। मैं आपको बता दूं, रेड ईयर स्लाइडर टर्टल का ओरिजिन कहाँ हुआ। ये है साउथ ऑफ अमेरिका का, फ्लोरिडा का। ये इंडियन टर्टल नहीं है। इसको कैसे रखना है, ये क्या खाता है, इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इसका एक्वेरियम सेटअप कैसा होना चाहिए और क्या ये इंडिया में बैन है, ये सब मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी ये मंगवाना है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा, कहां से आप ऑर्डर के कैसे मंगाना है, क्या प्राइस है और सब कुछ डिटेल। मुझे ये रिसीव हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो सेलर ने मुझे कूरियर करके भिजवाया था बेंगलुरु से। लेट्स सी अंदर क्या है। ये एक वाटर बैग है जिसके अंदर एक छोटी सी मौली है, ये दूसरा वाटर बैग, इसके अंदर भी एक मौली है। ये फ्री गिफ्ट मिला है मुझे सेलर की तरफ से, बट ये वाटर बैग है बॉक्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टर्टल को कोई दिक्कत ना हो। और एक और भी बॉक्स है जो कि टूट चुका है और टर्टल बाहर आ गया है, और ये रहा हमारा टर्टल। ये है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। ये बहुत ही एक्टिव, ये ओमनिवोरस होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। 6 से 8 इंच तक ये बढ़ जाते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एक्टिव बेबी टर्टल है ये। इसका नाम रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, इसके आँख के पीछे जो बना रेड कलर का जो पैटर्न है, इससे पड़ा है रेड ईयर स्लाइडर। स्लाइडर इसलिए क्योंकि ये पानी में एकदम से स्लाइड हो जाते हैं, पत्थर के ऊपर अगर बैठे होते हैं तो। इंडियन ओरिजिन ना होने की वजह से ये इंडिया में बैन नहीं है। एज अ पेट आप इंडिया में इसको रख सकते हैं, बट अच्छी केयर के साथ। कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होने की वजह से ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं पानी से बाहर और अंदर आके। बाहर आके इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को हीट देने के लिए। तो आप अपना एक्वेरियम ऐसा सेटअप करें जिसमें एक यूवी लैम्प हो, जिससे कि इनको हीट मिलती रहे, इनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे। इसकी सारी डिटेल्स, हम क्या खाता है, कैसे रहता है, एक्वेरियम सेटअप कैसे करें, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।